हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम संस्कृत के अलावा हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ऐसे ही दूसरे विषय के भी मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हिंदी का पेपर आपके 3.25 घंटे का है और पूर्णांक किसके हैं 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपके सत्रांक चाहेंगे विद्यालय से। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं और प्रश्न का जो अंक भार है वो नीचे दे रखा है, जिसे आप अच्छे से देख लें। खंड अ ब स द और य, ये 5 खंडों में आपके पेपर आने वाला है। अंक भार भी यहाँ दे रखा है। नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है इसमें से भी। और नंबर 7 में पूछा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनना है। नंबर 9 में, युगधारा किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है वो बताना है। और 10 में, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति कौन सी है उसका नाम देख करके सही नाम ऑप्शन में लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द यानी कि एक पंक्ति में देने हैं। ये 7 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। प्रश्न 2 पूछा है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया। प्रश्न 3 है, मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 4, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला उसके बारे में जानकारी देनी है आपको। नंबर 5, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। प्रश्न 6 में आपसे पूछा जा रहा है, कना नोर के होटल में लेखक क्या भूल आया था। प्रश्न 7, पैरों पर खड़े होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है वो लिखना है। प्रश्न 8, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। आगे है इसमें, दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ इस ये सभी एक एक नंबर के हैं। 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ रहती काकी है। रिक्त स्थान, देखी ना ही कबहू ब्रजखोरी, ये रिक्त स्थान आपको पूरा करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न 10 है, शकुंतला ने दुष्यंत को, रिक्त स्थान, वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। प्रश्न 11, रिक्त स्थान, के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। अंड बै में देखिए, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का होगा और 8 प्रश्न हैं। प्रश्न 12 में पूछा जा रहा है, गोपियों ने पतंग और दीपक के द्वारा उद्धव को क्या समझाना चाहा है अपना मत लिखना है। प्रश्न 13 है, मुनि विश्वामित्र के कथन मुनि ही हरि अरई सूझ का आस्य क्या था। प्रश्न 14, कवि जयशंकर प्रसाद को कौन सी आशा लगी हुई थी, प्रभु कविता के आधार पर आपको लिखना है। प्रश्न 15, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न शीर्षक आपकी दृष्टि में कितना उचित है। प्रश्न 16 है, हामिद ने बुढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 17,
पारिवारिक अशांति तथा सामाजिक विघटन का कारण स्त्रियों की शिक्षा है। इस कथन के प्रति अपनी सहमति अथवा असहमति व्यक्त कीजिए। प्रश्न 18, हाथ लगना मुहावरे का अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रश्न 19, लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। खंड सह में आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न 20, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पद्यांश दिया हुआ है, नीचे इसके प्रश्न हैं जो आपको इसमें से ढूंढ करके लिखने हैं। यहाँ नीचे 3 प्रश्न दे रखे हैं इस पद्यांश के। प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक लिखना है आपको उचित छांट करके। भारत देश में बादल कैसा जल बरसाते हैं। और गय में पूछा है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, इसका अस्य स्पष्ट करना है। 4 नंबर का पद्यांश होगा आपके। और अथवा में दे रखा है 2 पद्यांश, इसे आप ध्यान से पढ़ें। और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। इन दोनों में से आपको जो सबसे अच्छा आता है उस पद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर करें। आगे प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 21 में, मिला तेज से तेज कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा। अथवा में एक प्रश्न दिया है, मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखी। 2 दे रखे हैं 21 में, जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है वो नोटबुक में करना होगा। प्रश्न 22, सप्रसंग सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से उपस्थित किया है। अथवा बच्चों में लालच तथा एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुन करके इस मत की पुष्टि कीजिए। ये आपके 4 नंबर का होगा, अथवा में है, दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न 23, निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन एवं कृतित्व का परिचय दीजिए। महाकवि तुलसीदास अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी। खंड द में आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 24, उपर्युक्त प्रदर्शित यातायात चिन्हों का सांकेतिक अर्थ बताते हुए इनका विश्लेषण कीजिए। 5 चिन्ह दे रखे हैं, इनके अर्थ बताने हैं और विश्लेषण करना है। अथवा में प्रश्न दिया है, नशीले पदार्थ अथवा शराब के सेवन करने के दुष्परिणामों पर टिप्पणी लिखिए। दोनों में से एक आपको करना है, ये आपके 5 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 25, शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजस्थान जयपुर की ओर से एक पत्र निर्धारित प्रारूप से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक राजस्थान को लिखिए, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद राजस्थान की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संबंधित कार्यों के भुगतान के बारे में निर्देश दीजिए। अथवा में प्रश्न दिया है आपको, अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड खंड 3 बहरोड़ अलवर की ओर से एक पत्र पुलिस अधीक्षक अलवर को लिखिए, जिसमें किसान रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने हेतु बताया गया हो। ये भी आपके 5 नंबर का प्रश्न होगा, दोनों में से कोई एक आपको करना है। खंड यह में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न नंबर 26, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। निबंध आपके 6 नंबर का होगा,
यहाँ अथवा में दे रखे हैं, जो आपको सबसे अच्छा आता है पॉइंट टू पॉइंट वो आपको नोटबुक में करना है ताकि पूरे मार्क्स आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परीक्षा की तैयारी आपके बाकी साथी भी अच्छे से कर सकें। एम दिया है यहाँ, मुझे गर्व मेरे भारत पर, यहाँ पॉइंट दे रखे हैं। अथवा यदि मैं मुख्यमंत्री होता, अथवा राष्ट्रीय विकास के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता, या राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पद्यांश दे रखा है, देखिए अथवा में है, जो आपको सबसे अच्छा आ रहा हो वो आपको करने हैं। ये आपके पद्यांश 6 नंबर का है, सप्रसंग व्याख्या। कुछ पंक्तियाँ शेष यहाँ लिखी है पद्यांश की। तीसरा पद्यांश यहाँ अथवा में दे रखा है, तो तीन में से जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है, यानी कि सबसे अच्छी सहप्रसंग व्याख्या आ रही है, वो आपको नोटबुक में तीन में से कोई एक करना है। प्रश्न 28, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये भी आपके 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ गद्यांश दे रखे हैं, देखिए इस गद्यांश का आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। दूसरा गद्यांश है इसमें अथवा में, इसे पढ़ें अच्छे से और सप्रसंग व्याख्या नोटबुक में लिखें। या फिर एक और अथवा में दिया हुआ है, तीन अथवा में गद्यांश दिए हुए हैं, तीनों में से कोई भी एक आपको करना होगा।